नमस्कार दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं क्राइजेंथिमम है, जिसको गुलदावदी भी कहते हैं और बंगाल में इसको चंद्रमौलिका भी बोलते हैं। ये देखिए पूरा कटिंग हमने लगाया है और कटिंग कितना अच्छा निकला है और इतनी छोटी है पौधे इसके कि इसमें फूल भी आ रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो क्राइजेंथिमम या गुलदावदी का पौधा आपका बड़ा है उसमें से कटिंग कैसे लगाते हैं। जो बड़े पेड़ हैं उसमें से कटिंग निकाल लेना है। कटिंग जो है 2 से 3 इंची से कम नहीं होना चाहिए और थोड़ा हार्ड होना चाहिए। सॉफ्ट कटिंग अगर लेंगे तना तो उसमें फंगस लग जाएगा, ग्रोथ नहीं करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम इस तरह से एलोवेरा के जूस में उसके तना को इस तरह से हम लोग इसको ऐसे लगा देंगे, इसके रस को, और इसको रख देंगे। और एक प्रो ट्रे लेंगे। प्रो ट्रे लेने से क्या फ़ायदा है कि इसमें जो है ज़्यादा पौधा आ जाएगा आपका। और इसमें जो हमने भरा है इसको ट्रे को, ये बालू से भरा है। अगर मिट्टी से भरेंगे तो इसमें फंगस और मरने का चांस ज़्यादा रहता है। तो बालू में इसको इस तरह से लगा देना है। लगाने का तरीका जैसे मैंने लगा रखा है और इसको आप देखिए कि कैसे हम इसको लगा रहे हैं। एलोवेरा लगा के इसको अंदर डाल देना है और इसके ऊपर फिर पानी देंगे तो ये आराम से बैठ जाएगा। इस तरह से पूरे को कवर करके हम लोग रख देंगे। 8-10 दिन के बाद इसमें लीफ आ जाएगा, तब फिर इसको हम पॉली बैग में या गमले में जहाँ भी लगाना हो लगा सकते हैं।